कहानी की शुरुआत हमारे मूल पात्र ओल्ड मैन से होती है, जो कि एक फुल टाइम टॉयलेट डिजाइनर है। वो एक सुपर हीरो है। उसकी शक्ति है अमीर और कामुक लड़कियों को ढूंढकर उनसे डेटिंग करना। वह बिल्कुल सटीकता के साथ लड़कियों के कूल्हों का अनुमान लगाता था और वर्ल्ड क्लास टॉयलेट डिजाइन बनाता था। लेकिन वह यह भूल जाता था कि उसकी एक बेटी भी है, मिन चैन, जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। अपने डैड की ऐसी हरकतों पर वह अक्सर उनकी पिटाई कर देती थी। जब से उसकी माँ चल बसी थी, तब से वह ही अपने पिता को संभालती हुई आ रही है, क्योंकि उसके पिता आदत से मजबूर जो थे। खैर, एक रात जब वह ओल्ड मैन टॉयलेट करने के लिए जाता है, तभी अचानक टॉयलेट करते हुए वह किसी शक्ति द्वारा अंदर खींच लिया जाता है और एक अजीब सी दुनिया में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात सुपर मारियो से होती है, जो कि उसे बताता है कि ओल्ड मैन अब सुपर हीरो बनने जा रहा है। उसे अब इस दुनिया की रक्षा करनी होगी, पर उस ओल्ड मैन को दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वह इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन स्पेस पीस रिपब्लिक अलायंस हीरो कमेटी ने उसे पहले ही चुन लिया है और उसकी बॉडी सुपर हीरो में बदलना शुरू हो चुकी है, इसलिए वह अब इसे ना नहीं बोल सकता। कल सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच एलियन पृथ्वी पर हमला करने जा रहे हैं। यह जानकारी देने के बाद ओल्ड मैन को वापस टॉयलेट से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वह पूरी तरह से सुपर हीरो बन चुका है। लेकिन जब वह अपना चेहरा आईने में देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसका हैंडसम चेहरा अब एक पेटू इंसान जैसा बन गया था। उसे डर है कि अब उसे उसकी बेटी कैसे पहचानेगी। खैर, वह बाथरूम से बाहर निकलकर सोए हुए मिनचैन को उसके बेड में सुला देता है। तभी मिनचैन की डॉल को देखकर उसे अपनी बेटी पर प्यार आने लगता है और वह उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी मिनचैन जाग जाती है और उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देती है। मिनचैन को लगता है कि ये कोई चोर है। वह उसे मारने के लिए तैयार होती है। इधर ओल्ड मैन उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द उसके विचारों से बिल्कुल ही उल्टे निकलने लगते हैं। इस पर मिनचैन उसे ठरकी बुड्ढा कहते हुए उस पर एक से एक कराटे के मूव्स इस्तेमाल करने लगती है और उसे घर से बाहर फेंक देती है। वह ओल्ड मैन वाइफलेस तो था ही, पर अब वह डॉटरलेस और होमलेस भी बन गया है। खैर, क्योंकि अब वह सुपर हीरो है, इसलिए उसे आगे क्या करना है इसके बारे में वह सोचने लगता है। वह कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और वह तुरंत ही सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे कुछ औरतों की चीखती हुई आवाज सुनाई देने लगती है। ध्यान से देखने पर वह पाता है कि ये वही लड़कियां होती है जिससे वह डेटिंग कर चुका है। वे लड़कियां इस धरती की सबसे खतरनाक जीव कॉकरोच से डरकर भाग रही होती है, जो कि एक एलियन कॉकरोच था। लेकिन वह ओल्ड मैन अपने चप्पल से उस कॉकरोच का काम तमाम कर देता है और उन लड़कियों को टॉयलेट सीट डेट पर जाने के लिए पूछने लगता है। भले ही लड़कियों पर उसका जादू नहीं चल पाता, पर उसने इस दुनिया के एक खतरे को तो टाल ही दिया है। लेकिन एलियन इन्वेशन तो अभी शुरू ही हुआ है। तभी एक और एलियन, जो कि लोहे का झींगा है, वह ओल्ड मैन पर हमला करने लगता है, पर अपने ही हमले से खुद को ही मार डालता है। इस तरह ओल्ड मैन ने एक ही दिन में दो दुश्मनों का काम तमाम कर दिया है। दुश्मनों को मारने के बाद ओल्ड मैन सोचता है कि भले ही वह एक सुपर हीरो है, पर उसे रहने के लिए छत तो चाहिए ही। यह सोचते हुए वह अपने पड़ोसी के दरवाजे के पास चला जाता है और पूरी हिम्मत जुटाकर दरवाजे में दस्तक देने लगता है। यमाडा सान ओल्ड मैन का काफी पुराना पड़ोसी है। वह ओल्ड मैन उससे मदद मांगता है, जिसे यमाडा स्वीकार भी कर लेता है, पर ओल्ड मैन को यमाडा की ठरकी हरकतों का आभास पहले ही हो जाता है, जिस पर वह उसे उसके अंदर के शैतान को अंदर ही रखने को कहता है। यमाडा थोड़ा अजीबोगरीब इंसान है। जब वह ओल्ड मैन के लिए नाश्ता लेकर आता है तो उसमें तो बड़े बड़े उबले हुए अंडे होते हैं, जिसके साइज को देख ओल्ड मैन चौंक जाता है। हद तो तब हो जाती है जब उनमें से एक अंडा फूटकर उसमें से चूजा बाहर निकलता है। इसे देख ओल्ड मैन भागते हुए टॉयलेट के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। तभी कुछ सोचने के बाद ओल्ड मैन भागते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है और अपने घर में घुसते हुए सीधे टॉयलेट की तरफ चला जाता है और कमोट में आकर वापस अपने पुराने रूप को पाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, पर उसकी यह कोशिश पूरी बेकार हो जाती है। जब वह वहां से बाहर निकलता है तो उसे एक और एलियन दुश्मन दिखाई देता है, जो कि है चिकन ओवरलोड। वह चिकन ओल्ड मैन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी खतरनाक चीख ओल्ड मैन पर कोई असर नहीं करती। उसे उसके हमले से ज्यादा तो अपनी बेटी की फिक्र है, जो कि बाहर किसी लड़के से बात कर रही थी। वह गुस्से में आकर उस डिस्टर्ब कर रहे चिकन को धराशायी कर देता है और उन दोनों की बात को सुनने लगता है। अपनी बेटी को खतरे से बाहर रखने के लिए ओल्ड मैन उसका पीछा करने लगता है। बाद में मिनचैन की मुलाकात एक मिस्टीरियस पर्सन से होती है, जिसने की हाथों में एक गुलदस्ता पकड़ रखा था। वह सोचती है कि जरूर ये उसके डैड होंगे। वह दौड़ते हुए उसके पास जाती है, पर पाती है कि ये उसके डैड नहीं बल्कि एक फेल्ड इमोजी है। वह उसे एक जोरदार राउंड किक मारकर धराशायी कर देती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था,
तभी एक बम्बल जी की एंट्री होती है। बम्बल जी भी कुछ हद तक हमारे बम्बल बी की तरह ही है, जो कि स्पेस के चाइनीज टॉय फैक्ट्री से आया था। बम्बल जी और इमोजी गाय एक साथ हो जाते हैं और ओल्ड मैन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन छोटे छोटे हाथ होने की वजह से वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उल्टे ओल्ड मैन मार मार कर उनकी चटनी बना देता है। इसके बाद ओल्ड मैन दबे पांव वापस अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है, लेकिन वहां उसे उसकी बेटी उसकी याद में रोते हुए मिलती है, जिसे देख उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगली सुबह वो अपनी बेटी के लिए नाश्ता तैयार रखता है और एक नोट छोड़ देता है। इसे देख मिंचेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिंचेन को खुश होता देख उसे भी काफी ज्यादा खुशी होती है। वह हमेशा उसके साथ है। वह जैसे ही दरवाजे के आगे निकलता ही है कि तभी एक हाथ उसके बॉडी के आर पार हो जाती है। ये वही सुपर विलन होता है जो कि अब तक छोटे मोटे विलेंस को धरती पर भेज रहा था। वह खुद ही ओल्ड मैन को मार कर इस झमेले को खत्म करना चाहता था, पर उसके इस वार से ओल्ड मैन को कुछ नहीं होता। वह विलन जिसका नाम मोमो है, वह ओल्ड मैन को कुछ ना होते देख चौंक जाता है और इस बार वह अपने दोनों हाथों को उसके शरीर पे स्टैप कर देता है, लेकिन अभी भी ओल्ड मैन को कुछ नहीं होता। इसे देख वो विलेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक के बाद एक अटैक करने लगता है, पर इतने जोरदार और खतरनाक हमले के बाद भी ओल्ड मैन का बाल भी बाका नहीं होता। बेचारा मोमो काफी ज्यादा थक जाता है, उसका कोई भी वार उस पर असर नहीं कर रहा। तभी ओल्ड मैन अपना नाक खुजाते हुए थोड़ी सी पापड़ी निकालता है और उसे गोल बनाते हुए मोमो की तरफ फेंक देता है। इसे देख मोमो खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी एक शक्ति ऐसी भी है जिसमें वह जीभ के अंदर की चीज को खाकर उसकी तरह ताकतवर बन सकता था। वह झट से ओल्ड मैन की पापड़ी को खा लेता है और काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर वह सभी प्राणियों के बलगम को अपनी ओर खींचने लगता है और बलगम का एक बड़ा सा गोला बनाता है। इसे हम बलगम बम भी कह सकते हैं। खैर, तभी मिंचेन भी वहाँ पर आ जाती है और फिर से अपने घर के बाहर उस ठरकी ओल्ड मैन को देखकर उसे कूटने लगती है। पर इधर मोमो को मिंचेन को देखते ही प्यार हो जाता है और उसका इस तरह से ओल्ड मैन को कूटते देख उसे अपने माँ की याद आ जाती है। उसकी माँ भी इसी तरह ही उसके डैड को कूटती थी। उसे अपने बचपन की पुरानी बातें याद आने लगती है, इसीलिए मोमो धरती को खत्म करने के अपने विचार को छोड़ देता है और सीधे मिंचेन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि अगर उसने उसके बलगम लगे हाथ को किस कर लिया तो वह उससे शादी कर लेगा। पर मिंचेन उसे नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मिंचेन को देखने के बाद मोमो की हालत दीवानों जैसी हो जाती है। वो अपने सुपर विलन के पोस्ट को छोड़ने का फैसला करता है और मिंचेन का पति बनना चाहता है। वह अपने पूरे जीवन की सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देता है और अपने पर्सनल सुपर गैलेक्टिक यान को लेकर यमाडा के पास रेंट में रहने के लिए चला आ जाता है। अगले दिन जब ओल्ड मैन की आंखें खुलती है तो वह पाता है कि मोमो उसका गला दबा रहा था, जो कि निश्चय ही उसे मारना चाहता था। लेकिन ओल्ड मैन को इससे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि मोमो यहाँ क्या कर रहा है। वह सीधे यमाडा के पास जाकर उसे यहाँ से निकालने को कहने लगता है। इस पर मोमो उसे कहता है कि वो मिंचेन से अपनी नजर हटा ले, वरना वह उसे इतने नीचे ले जाएगा जहाँ से कि वो कभी बाहर नहीं आ सकेगा। लेकिन ओल्ड मैन भी किसी भी तरह के प्लेबॉय को अपनी बेटी को छूने नहीं देना चाहता, इसलिए वह उसके गिरेबान को पकड़ते हुए उसे वॉल की तरफ खींच ले जाता है और उसे धमकी देने लगता है। तभी मिंचेन यमाडा के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके बाथटब का नल टूट गया है, वो उसे नल ठीक कर देने के लिए मदद मांगती है। इसे सुनते ही वे दोनों दौड़ते हुए उसकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं। बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से वे दोनों एक साथ मिलकर मिंचेन के बाथटब को ठीक कर ही देते हैं और उनमें बॉन्डिंग भी हो जाती है। अगले दिन फिर से यमाडा के दरवाजे पर दस्तक होती है। मोमो यह सोचकर कि बाहर मिंचेन है, दौड़कर जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन यह मिंचेन नहीं बल्कि कोई और एलियन गर्ल होती है। जब वह लड़की मिंचेन को देखती है तो उस पर अचानक से अटैक कर देती है। उस पर अटैक होते देख वे दोनों मिंचेन को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ओल्ड मैन उस एलियन गर्ल के पूंछ को जोर से पकड़कर उसे पैरालाइज कर देता है, लेकिन इससे उस एलियन गर्ल की पूंछ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़ने को कहती है। फिर वह पूंछ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो मोमो की फियोंसे है। वह डाटा लिंक नाम की एक ऐसी प्राणी है जो कि काफी ज्यादा बुद्धिमान है। यह जीवों के शरीर पर कब्जा कर उन्हें नियंत्रित कर सकती है। ये शरीर उनके लिए बैटरी का काम करती है। वास्तव में एक दिन मोमो ने डाटा लिंक का पिछवाड़ा धोने में उसकी मदद की थी, जिससे कि डाटा लिंक के मन में मोमो के प्रति प्यार पनपने लगा और वह उसके प्यार में पड़ गई। पर यह प्यार मोमो के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रह सका, उसने उसे छोड़ने का निश्चय किया। इसके बाद तो डाटा लिंक ने मोमो की तलाश में पूरे ब्रह्मांड की छान मार ली और आखिर में वो उसे यहाँ धरती पर मिली। इसी दौरान यमाडा फर्स्ट एड बॉक्स के साथ दौड़ते हुए बाहर आता है और डाटा लिंक के मानव शरीर का इलाज करने लगता है। वह उसे CPR भी देने लगता है। फिर उसके उल्टे पुल्टे इलाज के बाद वे लोग उन्हें कमरे पर ले आते हैं, लेकिन गलती से डाटा लिंक की पूंछ दरवाजे पर ही फंस जाती है और वह उसके मानव शरीर से अलग हो जाती है। अब क्योंकि यह मानव शरीर डाटा लिंक के लिए बैटरी के रूप में काम करती है, तो इससे उसकी जमा की गई इन्फॉर्मेशन भी लीक होने लगती है,
डाटा लिंक अपने बैटरी में 5 साल के यूनिवर्सल नॉलेज को इकट्ठा कर सकती है। ये नॉलेज कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसके लिए ओल्ड मैन मोमो को उसकी लीक होती इन्फॉर्मेशन को चूसने के लिए कहने लगता है। हालांकि इस प्रक्रिया के बीच में ही तभी वहाँ मोमो का छोटा भाई मोमो प्रकट हो जाता है और वह उनसे उस पोर्टेबल बैटरी को हथिया लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट हो जाती है और उससे होने वाला खतरा भी टल जाता है। पर मोमो और ओल्ड मैन परिस्थिति की गंभीरता को जानते हैं, इसलिए वे अब से मिनचेन की सुरक्षा पर एहतियात बरतने की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक और खतरा उनके सामने आ जाता है। वह एक ऐसा आदमी प्रकट होता है जो कि बिल्कुल ही ओल्ड मैन के असली रूप जैसा दिखता है। उसे देखते ही ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोमो से कहता है कि उसके घर में एक बहुरूपिया है जो कि बिल्कुल ही उसकी तरह दिखता है। मोमो उसकी बातों पर विश्वास करते हुए ओल्ड मैन की मदद करने का उपाय सोचने लगता है। वे डाटा लिंक के प्लग को यामाडा के पिछवाड़े में जोड़ देते हैं और उसे यामाडा चेन बना देते हैं। फिर यामाडा ओल्ड मैन के डीएनए को चेक करता है और पाता है कि उसे बवासीर है और साथ ही वो इस दुनिया का नहीं है। वास्तव में इस ब्रह्मांड में कई सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं और सबके अपने अपने अर्थ हैं। जब ओल्ड मैन टॉयलेट से वापस दुनिया में आ रहा था तो गलती से वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अब क्योंकि एक धरती में दो सेम लोग नहीं रह सकते, इसलिए स्पेस एडमिन्स ने उसे एक दूसरा अवतार दे दिया ताकि इस दुनिया का ओल्ड मैन भी बराबर एग्जिस्ट कर सके। लेकिन यहाँ राज की बात यह थी कि उस बहुरूपिया के शरीर पे मोमो के बड़े भाई मो ने कब्जा कर लिया था। अपने परफेक्ट प्लान के तहत मो मिनचेन के दिल को जीतने में कामयाब हो जाता है। इधर ओल्ड मैन और ग्रुप उस बहुरूपिया की तहकीकात करते हुए उसके बॉक्सेस को चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी मिनचेन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और उन तीनों की धुलाई कर देती है। इस पर वह बहुरूपिया मिनचेन को समझाते हुए कहता है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। यह कहते हुए वो उन तीनों को शाम के डिनर के लिए बुलाता है। शाम को जब वे सभी डिनर के मजे ले रहे होते हैं, तभी ओल्ड मैन रियलाइज करता है कि उसने मिनचेन के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया। उसे काफी बुरा लगता है। बाद में जब वे बाथरूम में जाते हैं, तब वह मोमो से कहता है कि हमें मिनचेन को उसके साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह वही जिंदगी है जो कि मिनचेन हमेशा से चाहती थी। लेकिन मोमो को कुछ अजीब एहसास होता है। उसे उस बहुरूपिया में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसे लगता है कि वो बहुरूपिया जरूर कोई एलियन है। फिर वे उस बहुरूपिया की असली पहचान को उजागर करने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन उस बहुरूपिया ने तो उनके लिए पहले से ही कुछ और प्लान बना रखा था। वह उन्हें अपनी बनाई हुई एलियन शराब पिलाने की कोशिश करता है ताकि वे बेहोश हो जाए। लेकिन उसका यह प्लान उल्टा उसके ऊपर ही अप्लाई हो जाता है क्योंकि वह इतना बेवकूफ था कि खुद के ड्रिंक्स को खुद ही पी गया। इधर जब ओल्ड मैन और मोमो बाथरूम से बाहर निकलकर उस बहुरूपिया की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि वह तो पहले से ही धराशायी हुए पड़ा है और डिप्रेशन में आकर खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ड्रिंक में ऐसी क्या बात है, इसे जानने के लिए वे चारों भी इसे पी जाते हैं और भयंकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब वे सो रहे होते हैं तो मिनचेन देखती है कि ओल्ड मैन सोते हुए वैसे ही हरकत कर रहा है जो कि उसके फादर किया करते थे। वो काफी भावुक हो जाती है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है। फिर वह अपने ड्राइंग बुक में बनाई गई उन चित्रों और कैरेक्टर्स को देखने लगती है जो कि बिल्कुल ही उन सभी के समान थे जो कि उसके सामने मौजूद थे। वह इन सब के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी सबसे बड़ा विलन वहाँ पर प्रकट हो जाता है, मोमो के पापा। वह एलियन उससे पूछता है कि क्या वो वही लड़की है जिसने उसके बेटे को गुमराह कर दिया। लेकिन जवाब देने के बजाय मिनचेन उस पर हमला कर देती है जिसका उस एलियन पर तो कुछ असर नहीं होता, पर एलियन के जवाबी हमले से वो काफी दूर जाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब मोमो की आँख खुलती है तो वह मिनचेन को घायल देखकर दौड़कर उसके पास जाता है और उसे जगाने लगता है। मिनचेन के जागने के बाद मोमो को पता चलता है कि मिनचेन पर उसके पिता ने ही हमला किया है। तभी बहुरूपिये के शरीर पर कब्जा कर रखे एलियन मो अपने पिताजी के सामने अपने फेलियर की माफी मांगता है। लेकिन एलियन डैड उसे एक पंच मारकर उसे वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। फिर वह एलियन डैड मोमो को अपने साथ चलने को कहने लगते हैं। वे उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाएंगे, पर मोमो उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि वो मिनचेन से प्यार करता है और वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। इस पर उसके फादर गुस्से में आकर उस पर हमला करने लगते हैं और उसे मार मार कर बहुत ही दूर फेंक देते हैं। तभी ओल्ड मैन जाग जाता है और एलियन डैड का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने सैंडल से एलियन डैड को धूल चटाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि वह तो अपने शक्तियों के बारे में जानता ही नहीं। तभी एलियन डैड उसे एक जोरदार पंच मारकर काफी दूर फेंक देते हैं
और उसे बेहोश कर देते हैं। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह एलियन डैड उससे अच्छे से लड़ने को कहता है, पर ओल्ड मैन को तो अपनी शक्तियों का पता ही नहीं, क्योंकि उसने अभी तक जितने भी एलियंस को मारे थे वे या तो गलती से मारे गए थे या फिर अपनी मूर्खता की वजह से मरे थे। इसलिए वह एलियन डैड से कहता है कि वह कोई हीरो नहीं है। लेकिन तभी मिंचन उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि वही इस दुनिया के असली हीरो हैं। एलियन डैड फिर से मिंचन को देख उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यमाडा की बदौलत वो बच जाती है। फिर यमाडा एलियन डैड से भिड़ जाता है। उसी दौरान मोमो भी उसे पीछे से हमला करने लगता है, लेकिन एलियन डैड उन दोनों को ही धराशायी कर देते हैं। इसे देख ओल्ड मैन एलियन डैड के आगे झुक जाता है और कहता है कि इन सब चीजों का दोषी वह है, इसीलिए उसे जो भी सजा देनी है वो उसे दे। इस पर एलियन डैड उस पर हंसने लगते हैं और उसे अपनी जान की भीख मांगने को कहते हैं। उसके कहे अनुसार ओल्ड मैन वैसा ही करने लगता है कि तभी फिर से मिंचन अपने फादर को रियल हीरो बताने लगती है, जिस पर एलियन डैड उसे अपनी शक्तियों से खत्म कर देता है। तभी मिंचन के हाथ से उसकी पिक्चर बुक नीचे गिर जाती है। ओल्ड मैन रोते हुए अपनी बेटी की बुक को उठा लेता है और उसे देखने लगता है। इसे देख उसे एहसास होता है कि अब तक उसने जितने भी दुश्मनों का सामना किया है वे सब तो मिंचन के पिक्चर बुक के कहानी के हिस्से थे, चाहे वो कॉकरोच मैन हो या फिर बम्बल जी, यहाँ तक कि एलियन डैड भी उसके कहानी के कैरेक्टर थे जो कि काफी पहले उसने और मिंचन ने मिलकर बनाई थी। इसे देख एक नए संकल्प के साथ ओल्ड मैन एलियन डैड से लड़ने लगता है जो कि उसका ही प्रतिरूप था, लेकिन रियलिटी में वो लड़ तो रहा था पर किसी एलियन से नहीं बल्कि कोमा से। वास्तव में वो एक बहुत अधिक काम करने वाला डैड था जो कि 8 पार्ट टाइम जॉब करता था और अपना गुजारा करने की कोशिश करता था। लेकिन जब उसकी मेहनत से बनाई गई टॉयलेट डिजाइन को उसके एक कोवर्कर ने चुरा लिया तो उसने यह फैसला किया कि वह दुनिया घूमेगा और अपने डिजाइन को लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन इस दौरान उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है और वह अपने काम से भी हाथ धो बैठता है। अपनी बेटी मिंचन को अकेले अच्छी तरह पालने की कोशिश में वह आखिरकार हैवी स्ट्रेस की वजह से कोमा में चला जाता है और तब से वह इस कोमा से ही लड़ रहा है। इसी के साथ एक और कहानी शुरू होती है जहां ओल्ड मैन टॉयलेट से बाहर निकलते हुए मिंचन से अपने ड्रीम के बारे में बात करने लगता है कि वह कैसे कोमा में चला गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।